अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाम वैली रिजॉर्ट A15 में, और यहाँ की पिकनिक हमारी कैसी रही, फार्म हाउस कैसा था, क्या क्या इंतज़ाम थे, क्या इंजॉय किया, ये आज के सारे व्लॉग में आपको दिखाएंगे, और हमने क्या इंतज़ाम किए थे वो भी दिखाएंगे। पूरा फार्म हाउस जो है आपको वो भी दिखाते हैं, किस तरीके का है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर और कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको अभी। तो आप जाएं जनाब व्लॉग देखें और मैं जाता हूं आराम करने। क्या रात में एंजॉय किया वो सारी चीज़ें आप व्लॉग में देखेंगे भी, और सारे फार्म हाउस के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का सवाल यही होता है कि भाई फार्म हाउस कैसा था, इसका रेंट क्या था और किस जगह पर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये तो सारी चीज़ें आपको आज के व्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह। ये जनाब इसका नाइट व्यू है, ये एंट्रेंस है, और उसके बाद ये जो है इसमें एक हॉल बना हुआ जिसमें 3-4 कमरे हैं, और भी आपको अंदर से भी विजिट करवाता हूँ। ये पूरा उसका सहन है, वो सामने जो है बारबेक्यू लग रही है, अभी बारबेक्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका स्विमिंग पूल है, एक छोटा बच्चों के लिए दिया हुआ है, और ये जो है ये बड़ा स्विमिंग पूल है जो 4 फिट से लेके 6 फिट तक है। ये जनाब बारबेक्यू जो है हमने लाइव बारबेक्यू किया है, और बारबेक्यू मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें जो है अभी ये पराठे हैं और सीख कबाब है, उसके अलावा ये चिकन बोटी है, चिकन बोटी लगना शुरू हो चुकी है, अभी ये रेडी हो जाएगा। तो फिर ये सामने जो हॉल है यहाँ पे सिटिंग करेंगे, यहाँ पे सिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब इसका स्विमिंग पूल है, छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर भी बैठ सकते हैं, और ये सामने बारबेक्यू है, ये पूरा सिटिंग है, और ये जो है प्ले एरिया है। ग्राउंड मुनासिब है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि ग्राउंड इसका मुनासिब है। ये इसका ग्राउंड है, ये यहाँ पिच बनी हुई है, ये पिच बनी हुई है, और ये जो है पूरा इसका एरिया है। ये भाई इसका दिन का व्यू आप देखें इस तरीके का है, जिसमें आराम से 25 से 30 लोग तो आराम से इसमें जो है वो आप पिकनिक कर सकते हैं। 25 से 30 लोगों के लिए जो है ये बिल्कुल बेस्ट है, फैमिली के लिए भी बिल्कुल बेस्ट है, छोटी फैमिली जैसे जिनके 25 से 30 लोग होते हैं उनके लिए बेस्ट है। अच्छा जनाब ये इसका सिटिंग एरिया है जिसमें रूम्स वगैरह बने हुए जो हैं, ये इसका हॉल है, और ये जो है इसमें एक स्नूकर है, उसके अलावा एक रूम जो है वो ये है, ये रूम है विद अटैच बाथ है, ये विद अटैच बाथ है, और दूसरा रूम ये है, दूसरा रूम ये है, ये भी अटैच बात है, एसी इसमें लगा हुआ है, ये भी अटैच बात है, ये एक इसमें जो है वो झूला रखा हुआ है, पालना जिसको कहते हैं, बाकी ये किचन है, किचन में जो है वो गैस अवेलेबल है, बाकी डिफ्रीज़र भी रखा हुआ है यहाँ पे। इसका जो स्विमिंग पूल है वो बहुत ही अच्छा है, पानी इसमें 4 फीट से लेके 5.5 फीट तक है, बाकी एक जो स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए बनाया हुआ है छोटा, ये है, इसके साथ भी वॉशरूम और वॉशिंग एरिया वगैरह दिया हुआ है, जनरेटर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, स्टैंड बाय जनरेटर है, और सोलर प्लेट भी लगी हुई है। बाकी ये जो है इसका प्ले एरिया है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे से झूले हैं,
ये इसका स्विमिंग पूल है, माशाल्लाह फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है। और असद भाई जो है वो जीत गए। गोलियां भी रेडी हो गए। इसमें क्या है? ओ वाह, ये भाई नाश्ता लग गया भैया। ओहो, यहाँ तो खाली पूरियां आई हैं। ये जनाब गर्मा गर्म पूरियां लग रही हैं और बेहतरीन पूरियां लग रही हैं, हलवा, गुलाब जामुन। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें।